भोपाल में आज माहौल बहुत बदला हुआ है। हमारे साथ हैं राइजिंग स्टार अनन्या पांडे। तो अनन्या, आपका भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है, पहला विजिट है, क्या कहेंगी, क्या इंप्रेशंस लेके जा रही हैं? आई थिंक फर्स्ट हमेशा स्पेशली रहते हैं, पर बहुत हरा भरा है यहाँ, बहुत लेक्स हैं और लोग बहुत ही स्वीट हैं और यहाँ की बिरयानी बहुत यमी है। खा लिया बिरयानी आपने? हाँ, मैंने, मैं इसके बाद खाऊंगी, आज बाद में खाएंगे, मुझे फिश रहना है, ट्रेडमिल पर भागना था। और आप आई हैं स्केचर्स के ब्रांड पर, क्या कहेंगे इनके बारे में? स्केचर्स बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही कूल है, बहुत ही कंफर्टेबल है, ट्रेंडी है। और जब मैं ये जूते पहन रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जूते पहन रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं हवा पर चल रही हूँ। तो बहुत ही कंफर्टेबल है और मेरे लिए कंफर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार भोपाल आई हैं और आपने हमें बताया कि ये आपका पहला इवेंट है, मतलब फिल्मों के प्रमोशंस के अलावा फर्स्ट इवेंट है, तो इसके बारे में क्या इंप्रेशंस लेके जा रही है? बहुत स्वीट है, लोग इतने प्यारे हैं, बहुत पेंटिंग्स बनाए उन्होंने और बहुत मेरा नाम चला रहे थे, तो मुझे रोना आ रहा था और मेरे मॉम के लिए भी उन्होंने हैप्पी बर्थडे गाया, तो बहुत स्वीट था। चलिए, जाते जाते आप भोपाल के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? तो आई होप मैं यहाँ वापस आऊँ और मैं यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, एक सवाल, हम लोग जब चंकी पांडे को जब हम याद करते हैं तो हर वक्त जो है उनका वो इट्स जोकिंग और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वो कितना आप में भी आया है? आई होप, पर बहुत प्रेशर हो जाता है ना जब लोग मुझसे जोक्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। आई थिंक मैं थोड़ी फनी हूँ, थोड़ी सी। चलिए, भोपाल न्यूज अपडेट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो ये थी अनन्या पांडे, जो बताएं कि वो पहला भोपाल विजिट था, पहला इवेंट था और बहुत सारी मधुर यादें लेके वो भोपाल से वापस मुंबई जा रही हैं। कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक, भोपाल न्यूज़ अपडेट्स।